गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर सा फेस्टिव लैंटर्न बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, कुछ कलरफुल शीट्स, नीडल, थ्रेड, बीड्स, सीजर और ग्लू। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक स्क्वायर पीस लिया, उसको इस तरह से ट्रायंगल फोल्ड किया। उसके बाद देखिए दूसरी तरफ से भी ट्रायंगल इस तरह से, लेकिन पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरह से हल्की सी। उसके बाद देखिए इधर वाली साइड से सेंटर पॉइंट तक हाफ फोल्ड, फिर इधर वाली साइड से भी, फिर इसकी बैक साइड करेंगे हम। इधर से हम इसको यहाँ सेंटर तक फोल्ड करेंगे इस तरह से। ऐसे ही दूसरी साइड से भी सेंटर तक इस तरह से। उसके बाद इस तरह से देखिए इसको भी हम यहाँ हाफ तक लेकर आएंगे। ये हमारा सेंटर है। ऐसे ही दूसरी साइड से सेंटर तक इस तरह से। उसके बाद ये पीस हम यहाँ फोल्ड कर देंगे और ये पीस हम यहाँ। उसके बाद देखिए हम एक और पेपर का टुकड़ा लेंगे, इसको हम इसके साइज का, देखिए इसके साइज का कट कर लेते हैं। और इधर से भी हमारे पास इतना ज़्यादा है, ये जो एक्स्ट्रा है वो हम निकाल देंगे। इस तरह से उसके बाद देखिए इसको हम इस तरह से यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से हमने इस साइज का निकाला था, तो इधर ही हम इसको इस साइज ऐसे ऐसे हमने इसमें डाल दिया है। अब हम देखिए यहाँ से ये जो सेंटर है इसको एक बार अच्छे से ऐसे प्रेस करेंगे, और ये जो हमारा है इसको हम इस यहाँ से देखिए ध्यान से, इधर से इसके अंदर और इधर से हम इसके अंदर इसको करेंगे इस तरह से। ऐसे ही इधर से इस तरह से इस तरह से देखिए इस तरह के हमें 12 पीसेस रेडी करने हैं। इस तरह के देखिए हमने इस तरह से पीसेस बना लिए हैं, बाकी भी 12 पीसेस। अब हम 6-6 पीसेस को देखिए आपस में पेस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने एक पीस लिया, जैसे मैंने पहले स्काई ब्लू लिया, उसके साथ हम दूसरा पीस अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से इसको रखेंगे। इस तरह से हमने 6 पीसेस को आपस में पेस्ट कर लेना है। 6-6 पीसेस हमने 2 टाइम पेस्ट कर लेने हैं। हमारे टोटल 12 पीसेस है इस तरह से। अब हम इसके साथ देखिए येलो कलर का लगा लेते हैं, सेम वैसे ही हमने 6 पीसेस पेस्ट करने हैं। देखिए हमने इस तरह से 6-6 पीसेस रेडी कर लिए हैं आपस में पेस्ट करके। अब हम देखिए यहाँ नीचे की तरफ मोती लगाएंगे, तो उसके लिए देखिए हमने एक थ्रेड लिया है और नीडल के साथ, देखिए ये मेरे पास कुछ बेल शेप के बीड्स हैं, मैं वो डाल रही हूँ इस तरह से। देखिए
इस तरह से देखिए बेल शेप के बीड्स डाल लिए हैं। अब हम इसको देखिए इस तरह से नीचे की तरफ से इस तरह से। अब हम देखिए दूसरे थोड़े से बीड्स, गोल बीड्स डालेंगे। अगर आपके पास बीड्स नहीं है तो आप देखिए, ये मैंने पेपर का बीड्स बनाया हुआ है पेपर स्ट्रिप से, तो इस तरह के बना के भी आप लगा सकते हैं। चाहे तो आप पेपर के बना लीजिए और चाहे आप इस तरह से दूसरे बीड्स ले लीजिए। देखिए हमने इस तरह से बीड्स डाल लिए हैं और ऊपर की तरफ देखिए हमने ये मोटी सी एक नॉट लगा ली है। अब हम देखिए इसको इस तरह से बीड्स को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम इसको पेपर की हेल्प से पेस्ट कर देते हैं। नीडल निकाल लेते हैं इस तरह से। चाहे तो आप पेपर टेप लगा लीजिए या कोई भी पेपर की ग्लू लगाकर उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने ये देखिए पेपर की हेल्प से यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ भी एक थ्रेड पेस्ट कर लेते हैं। देखिए हमने एक थ्रेड का टुकड़ा लिया है, इसको हम इस तरह से देखिए पेपर पे रखेंगे और यहाँ पे ग्लू लगा के इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इसको भी हम देखिए यहाँ सेंटर में पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ग्लू लगाएंगे। चाहे तो आप जैसे मैंने नीचे बताया है इस तरह से पेस्ट कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से पेस्ट कर लिए, जैसे आपको इजी लगेगा वैसे आप इसको इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इस तरह से। उसके बाद देखिए हमने ये जो 6 पीसेस ऑलरेडी किए हैं इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ इस तरह से सेंटर में रखेंगे और दोनों तरफ से हम इस तरह से इसको आपस में पेस्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लू लगाएंगे और इनको आपस में हम पेस्ट कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा लैंटर्न बन गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप भी बनाइए सुंदर सा लैंटर्न। थैंक यू।